हेलो दोस्तों, मैं हूं भानीराम डाल। आप सब लोगों का ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को क्रॉप जो करवाने जा रहा हूं वो इस दुनिया का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण अनाज और खाद्यान्न है। अनाज बोले तो सीरियल, खाद्यान्न बोले तो फूड ग्रेन। फूड ग्रेन में आता है सीरियल प्लस पल्सेज, यानी अनाज प्लस दलहन। अगर अनाज की भी बात करें तो इस दुनिया का तीसरा सबसे मुख्य अनाज है वो मक्का है, और खाद्यान्न में भी बात करें तो तीसरा मुख्य जो खाद्यान्न है वो भी मक्का है। देखो, मक्का को अंग्रेजी में मेज कहते हैं, और मेज जो शब्द है वो आया हुआ है जो टियानो पीपल्स है, ये नॉर्थ इटालियंस आइसलैंड है, वहाँ के जो लोग हैं उसमें जो टियानो का जो अर्थ होता है वो माहीज होता है। माहीज का मतलब होता है सोर्स ऑफ लाइफ होता है, ठीक है। और ये माही जो शब्द है ये धीरे धीरे ट्रांसफर होता हुआ मेज बन गया। इस तरह से मेज शब्द की उत्पत्ति हुई है। ये दुनिया का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण अनाज व खाद्यान्न है। इस दुनिया में एक नंबर का जो अनाज या खाद्यान्न है वो गेहूं है, दो नंबर का धान यानी राइस है, और तीन नंबर का मक्का है। अगर ये बात भारत और एशिया के लिए की जाए तो भारत का जो मुख्य अनाज या खाद्यान्न है वो है धान, दूसरे नंबर का गेहूं, और तीसरे नंबर का तो मक्का ही है। वहीं पे अगर हम यूएसए या फिर सेंट्रल अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो वहां का जो मुख्य अनाज है वो मेज है, यानी मक्का है। आपने सुना भी होगा कि मक्का को अपने बैकबोन ऑफ अमेरिका भी कहते हैं, बैकबोन ऑफ यूएसए भी कहते हैं, यानी अमेरिका की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। उसके अलावा मक्का को क्वीन ऑफ सीरियल यानी अनाजों की रानी भी कहा जाता है, ठीक है। उसके अलावा मेज को कोरन भी कहा जाता है, CORN, कोरन। देखो, कोरन जो शब्द है ये इंडो यूरोपियन वर्ड है जिसका मतलब होता है स्मॉल नुगट होता है, ठीक है। तो कोरन भी इसको बोला जाता है, क्वीन ऑफ सीरियल्स भी बोला जाता है, मेज भी बोला जाता है, और वैज्ञानिक रूप से आपको पता ही है इसको हम जिया मेज कहते हैं। वैज्ञानिक रूप से क्या बोला जाएगा इसको? जिया मेज बोला जाएगा। सबसे पहले अपने इसका वैज्ञानिक विवरण की अगर बात करें तो इसका वैज्ञानिक विवरण जो बोटेनिकल नेम है वो है जिया मेज, और कुल जो है वो इसका ग्रेमिनी। ग्रेमिनी को हम पोएसी भी कहते हैं, घास कुल भी कहते हैं। उत्पत्ति जो है वो इसका है मेक्सिको, या फिर हम उष्ण अमेरिका भी बोल सकते हैं। और गुणसूत्र संख्या है वो है 2 n = 20, यानी द्विगुणित 20 है। फल का प्रकार, सभी अनाज वाली फसलों में फल का प्रकार तो आपने पढ़ ही रखा है, कैरियोप्सिस होता है। पुष्प क्रम जो होता है वो स्पाइक होता है, और इसमें दो तरह के पुष्प क्रम आते हैं। एक नर आता है, नर जो पुष्प क्रम होता है उसको टेसल कहते हैं, आगे हम बात करेंगे, और नर पुष्प क्रम का आना टेसलिंग कहलाता है, और मादा जो पुष्प क्रम होता है उसको अपने सिल्क कहा जाता है, और मादा पुष्प क्रम का आना सिल्किंग कहलाता है, और मादा पुष्प क्रम को अरबी कहते हैं, ERB कहा जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अभी आपको डायग्राम दिखाएंगे, अच्छे से दिखाएंगे, टेंशन मत लीजिए आप। प्रोटीन की मात्रा इसमें अच्छी होती है, 10 से 11% होती है। आपने सुना होगा क्वालिटी प्रोटीन मेज नाम सुना होगा, क्वालिटी प्रोटीन मेज नाम सुना होगा ना, QPM नाम सुना होगा। क्वालिटी प्रोटीन मेज के अंदर ओपेक्टू जीन पाया जाता है जिसकी वजह से उसमें प्रोटीन कंटेंट अच्छा होता है। वैसे तो अनाज वाली फसलों में लाइसिन और ट्रिप्टोफान की कमी पाई जाती है, बट जिस मक्का के अंदर ओपेक्टू जीन होता है जिसको हम क्वालिटी प्रोटीन मेज कहते हैं, उसमें लाइसिन और ट्रिप्टोफान भरपूर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए मक्का खाने में बहुत बेहतरीन होता है। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा की बात करें तो 72 to 73% होता है, और वसा की बात करें तो 3.6 to 4% तक इसमें वसा देखने को मिलती है। वैसे अनाज वाली फसलों में सबसे ज्यादा जो वसा है वो आपको देखने को मिलती है बाजरा, मिलेट में, और मिलेट के बाद अगर किसी अनाज में सबसे ज्यादा वसा है तो वो कौन सा है? मक्का मेज है, ठीक है। नेक्स्ट अपने चलते हैं, मक्का के बीज के गुणों के आधार पर इसको हमने 7 भागों में बांटा है। वो 7 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहले हैं जिया मेज वेराइटी इंडूराटा, है ना, इंडूराटा है, इसको हम फ्लिंट कोरन भी कहते हैं। इसे भारत में सर्वाधिक लगाया जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या है? इंडूराटा है, अच्छे से याद रखिएगा इसे।
नेक्स्ट है, अगली जो जाति है वो जिया मेज वेराइटी इंडियन टाटा है। इसे डेंट कॉर्न भी कहते हैं क्योंकि इसका जो दाना होता है वो दांत की तरह दिखता है, इसलिए हमने इसको डेंट कॉर्न बोला। अमेरिका में सबसे ज्यादा जो लगाया जाता है वो डेंट कॉर्न लगाया जाता है। अमेरिका में जितना मक्का लगाया जाता है उसका 95% तक, 95% तक आपको डेंट कॉर्न ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है जिया मेज वेराइटी इवर्टा। इवर्टा का मतलब बदलना, इसको हम फ्लैक्स कॉर्न अथवा पॉप कॉर्न भी कहते हैं। जब हम इसको 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो इसका दाना फूल जाता है, जिसको पॉपकॉर्न कहते हैं। आप सबने पॉपकॉर्न खाए होंगे, खाने में बड़े शानदार होते हैं ना। कई तो जब थिएटर में मूवी वूवी देखने जाते थे तब भी देखने जाते थे, क्योंकि आजकल तो कोरोना है, थिएटर बंद है, इसलिए बोल रहा हूं मैं, तो वहां पे भी पॉपकॉर्न खाते हैं। तो पॉपकॉर्न वो मक्का है जिसका दाना सबसे ज्यादा फूलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जिया मेज वेराइटी इवर्टा। इसको फ्लैक्स कॉर्न या पॉपकॉर्न भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है जिया मेज वेराइटी ट्यूनी काटा। ये ट्यूनी काटा है, ठीक है। आधुनिक मक्का की उत्पत्ति इसी जाति से मानी जाती है, सबसे प्राचीन मक्का है। इसको पोड कॉर्न भी कहा जाता है, वैसे व्यवसायिक स्तर पर कमर्शियली इसको नहीं ग्रो किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है जिया मेज वेराइटी सर्टियाना। इसे वैक्स कॉर्न कहते हैं। जब अपने इसको बॉयल करते हैं तो इसमें वैक्स सी देखने को ज्यादा मिलती है, क्योंकि इसमें स्टार्च कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट है जिया मेज वेराइटी सेकेराटा। इंपॉर्टेंट है, इसको मीठा मक्का यानी स्वीट कॉर्न कहा जाता है। वैसे तो ये मीठे मक्के की जाति है, बाकी उसके अलावा स्वीट कॉर्न प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, मक्का को जल्दी भी हार्वेस्ट कर लेते हैं, पकने से पहले ही हार्वेस्ट करते हैं। दाने कच्चे होते हैं तो उनमें मिठास ज्यादा होता है, उसको भी स्वीट कॉर्न। बट ये पर्टिकुलर जातियां जिनके अंदर और जो मक्का होता है उसके शुष्क भाग ड्राई वेट बेसिस 3% शुगर होती है और इसमें 20% तक शुगर होती है, ठीक है। तो इसमें 20% तक शुगर होती है, खाने में मीठा होता है। इसको हम अर्ली मैच्योरिटी में हार्वेस्ट कर लेते हैं, जल्दी हार्वेस्ट कर लेते हैं, यानी इसके दानों में 70% नमी होती है तभी हार्वेस्ट कर लिया जाता है। बाकी जो मक्का है उसमें 20-25% नमी रहती है दानों में, तब हार्वेस्ट करते हैं। बट आपको जिया मेज वेराइटी सेकेराटा है उसको हार्वेस्ट करना है तो उसमें 70% नमी है तभी हार्वेस्ट कर लेना चाहिए, तभी तो ये खाने में ज्यादा मीठा होता है। नेक्स्ट है जिया मेज वेराइटी एमाइलेशिया। इसको फ्लोर कॉर्न भी कहा जाता है, आटा बनाने के काम आता है। इसकी स्टार्च बहुत सॉफ्ट होती है, रोटी बहुत बढ़िया बनती है। अमेरिका के इंडियन हाईलैंड्स के निवासियों द्वारा इसका प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। इनमें से कुछ मक्का के दाने मैं आपको दिखा सकता हूं। ये पॉप कॉर्न का दाना है, ये फ्लिंट कॉर्न का दाना है, ये स्वीट कॉर्न का दाना है, ये फ्लोर कॉर्न का दाना है, ये डेंट कॉर्न का दाना है। इनके दानों में अगर आप वेरिएशन देखना चाहते हो तो ये इस तरह का इनमें वेरिएशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया इनके दानों के आधार पर वर्गीकरण। अब मक्का से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों पर अपने डिस्कस करें। देखो, वैसे तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो मक्का लगाया जाता है वो अमेरिका पूरे विश्व का 40% मक्का प्रोड्यूस करता है। अमेरिका, यूएसए की बात कर रहा हूं मैं, यूएसए पूरे विश्व का 40% मक्का उत्पादित करता है। और यूएसए में मक्का का क्षेत्रफल पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है, उत्पादन भी सबसे ज्यादा है। पूरे विश्व का 40% उत्पादित करता है तो जाहिर सी बात है उत्पादन भी सबसे ज्यादा है और उत्पादकता भी बहुत ज्यादा है। अगर विश्व की आप एवरेज निकालोगे तो उससे कहीं ज्यादा है। विश्व की एवरेज पड़ती है 58-59 क्विंटल प्रति हेक्टर के लमसम, 58-59 क्विंटल प्रति हेक्टर। डेटा में बात करेंगे ना, इसलिए मैं एक्यूरेट डेटा नहीं बता रहा। वहीं पे अगर अमेरिका के अंदर आप देखोगे तो 118 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक मक्का उत्पादित होता है। तो यूएसए की प्रोडक्टिविटी भी विश्व में सबसे ज्यादा और विश्व की जो उत्पादकता है उससे दुगनी उत्पादकता है। वहीं पे भारत की बात करें तो भारत है पूरे विश्व का 2% ही मक्के का उत्पादन करता है और भारत का विश्व में मक्का उत्पादन में कौन सा स्थान है, 6ठा स्थान देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये डेटा आपको अच्छे से याद रखना है। मक्का को अनाजों की रानी कहते हैं, क्वीन ऑफ सीरियल, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं ये। नेक्स्ट है, मक्का में जीन प्रोटीन पाया जाता है। मक्का में प्राकृतिक साइटोकाइनिन के रूप में जियाटिन देखने को मिलता है। प्राकृतिक साइटोकाइनिन जियाटिन है और जो प्रोटीन है वो कौन सा है, जीन प्रोटीन है, जिसमें लाइसिन और ट्रिप्टोफान की मात्रा अच्छी देखने को मिलती है, जो बाकी अनाजों में नहीं देखने को मिलती है। मक्का द्विलिंगी यानी मोनोसियस स्वभाव का होता है। चलो पहले अपने डायग्राम पे डिस्कस कर ही लेते हैं, मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। देखो, जो मक्का है उसमें जो मेल इनफ्लोरेसेंस है यानी नर पुष्पक्रम है वो शीर्ष भाग में आता है, जिसको हम टेसल बोलते हैं, और इस पुष्पक्रम के आने को टेसलिंग कहा जाता है।
वहीं पे मादा पुष्पक्रम होता है वो नीचे देखने को मिलता है, कक्षक देखने को मिलता है, और जो मादा पुष्पक्रम होता है उसको हम सिल्क या ईयर कहते हैं, और मादा पुष्पक्रम के आने को हम सिल्किंग कहते हैं। ये तो पुष्पक्रम की बात थी। जब यहाँ डायग्राम आ गया तो जड़ की भी बात कर लेते हैं। देखो मक्का के अंदर कुछ तो अस्थाई जड़ें निकलती है, उनको सेमिनल रूट कहा जाता है। कुछ स्थाई जड़ें निकलती है जिनको हम क्राउन रूट कहते हैं, ये क्राउन रूट देखने को मिल रही है। कुछ ऐसी जड़ें भी होती है जो मक्का को भौतिक मजबूती देती है, जिससे मक्का गिरता नहीं है, जिसको जो मतलब एक भौतिक मजबूती प्रदान करती है, उनको प्रोप रूट भी कहा जाता है, प्रोप जड़ें भी कहा जाता है, प्रोप या फिर एरियल रूट भी बोल दिया जाता है। प्रोप रूट को ही एरियल रूट कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मक्का है वो मोनोसियस है। मोनोसियस वो होता है जिसमें नर व मादा पुष्प एक ही पौधे पर अलग अलग स्थान पे आते हैं। हिंदी में इसको द्विलिंगी कहते हैं। एक तो ये है मक्का में प्रॉब्लम, और दूसरा क्या है, मक्का में नर व मादा पुष्पक्रम अलग अलग समय में पकते हैं, जिसको भिन्न काल परिपक्वता या डाइकोगेमी कहते हैं। भिन्न काल परिपक्वता या डाइकोगेमी, इसमें क्या होता है, नर पुष्पक्रम तो टेसल है वो पहले मैच्योर हो जाता है, और मादा होती है यानी सिल्क होती है वो बाद में परिपक्व होती है, और जिसमें नर पहले परिपक्व होता है उसको प्रोटो एंड्री या पुपूर्वता कहते हैं। इसमें पुपूर्वता पाई जाती है। एक तो ये मोनोसियस यानी द्विलिंगी है, दूसरा इसमें प्रोटो एंड्री यानी पुपूर्वता है, इसका मतलब इसमें सेल्फ पोलिनेशन, स्व परागण तो हो ही नहीं सकता है, ये बहुत ज्यादा क्रॉस पोलिनेटेड होता है, ठीक है। मक्का का भारत में आगमन लगभग 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा हुआ। कोई भी फसल जिसका उद्गम स्थल केंद्र अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका है, उसको भारत में 16वीं से 17वीं शताब्दी में पुर्तगाली ही लेके आए थे। जैसे मैं बात करूं आलू टमाटर का उद्गम स्थल पेरू है, तो भारत में पुर्तगाली लेके आए थे। अमरूद पपीता का उद्गम स्थल मैक्सिको है, उष्ण अमेरिका केंद्र अमेरिका है, तो उसको भी भारत में पुर्तगाली लेके आए थे। कॉफी का उद्गम स्थल ब्राजील है, तो उसको भी भारत में पुर्तगाली लेके आए थे। वैसे ही मक्का का उद्गम स्थल मैक्सिको है, तो इसको जो भारत में लेके आए थे वो कौन लेके आए थे, पुर्तगाली लेके आए थे ना, ध्यान रखना इस चीज का। विश्व में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन क्षेत्रफल उत्पादकता अमेरिका में होती है, और अमेरिका के लिए, यूएसए के लिए इसे बैकबोन भी कहा जाता है, यानी अमेरिका की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। भारत में मक्का का सर्वाधिक जो उत्पादन है वो यहाँ पे गलत मेंशन कर दिया, कर्नाटक में होता है। कहां पर होता है सबसे ज्यादा उत्पादन, कर्नाटक में होता है, और हाल फिलहाल जो उत्पादकता सबसे ज्यादा है वो तमिलनाडु में। सबसे ज्यादा उत्पादन कर्नाटक में है, और हाल फिलहाल 8% में उत्पादकता सबसे ज्यादा है वो तमिलनाडु की है। राजस्थान में क्षेत्रफल व उत्पादन सबसे ज्यादा बांसवाड़ा में है, और उसके बाद अगर किसी जिले का नंबर आता है तो वो डूंगरपुर है। वैसे तो आपको पता है मक्का मुख्य रूप से खरीफ की फसल है, कुछ क्षेत्रों में इसे जायद में भी लगाया जाता है, और कुछ क्षेत्रों में इसे रबी सीजन में भी लगाया जाता है। लगभग 85% मक्का तो खरीफ और जायद में लगाया जाता है, लगभग 85% है, जो उसमें भी सबसे ज्यादा खरीफ में लगता है। 15% मक्का रबी में भी लगाया जाता है। दक्षिणी भारत में मक्का को रबी में भी लगाया जाता है, और राजस्थान में बात कर लें तो दक्षिणी पूर्वी राज्य है, वहां पर भी रबी में मक्का देखा जा सकता है, लेकिन बांसवाड़ा जो है वो सर्दकालीन मक्का यानी रबी मक्का के लिए भी प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करें, मक्का मुख्य रूप से खरीफ की फसल है, लेकिन बांसवाड़ा डूंगरपुर में इसे रबी में, ये राजस्थान के सिनेरियो से बात की गई है, ठीक है। तो नेक्स्ट अपने चले कुछ और इंपॉर्टेंट बातों में। मक्का में नर पुष्प को टेसल कहते हैं, बता दिया, मादा पुष्प को सिल्क कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, मक्का में लाइसिन तथा ट्रिप्टोफान अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, जो अन्य अनाज में जिनकी कमी देखने को मिलती है। मक्का C4 पौधा है, डे न्यूट्रल प्लांट है। देखो जो व्यावसायिक मक्का है वो डे न्यूट्रल है, दिवस निष्प्रभावी है, लेकिन प्राकृतिक रूप से जो मक्का है वो ज्यादातर शॉर्ट डे प्लांट है, ठीक है। नेक्स्ट है, सबसे अच्छा अगर हम साइलेज की बात करें तो सबसे बढ़िया साइलेज मक्का से तैयार किया जाता है, और अगर मक्का ज्यादा खा लिया जाता है तो प्लेगरा जैसे भी रोग देखने को मिल जाते हैं एनिमल्स में, ठीक है। ये मैंने आपको इमेज अच्छे से दिखा दी थी। अब हम बात करें वैरायटी की। देखो वैरायटियों में बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं सफेद दाने वाली किस्म। सफेद दाने वाली किस्मों में आता है गंगावन, ठीक है। गंगावन है यह सबसे पहली संकर किस्म है जो 1961 में डेवलप की गई थी। उसके अलावा सफेद दानों में गंगा स्पेटू है, गंगा फोर है, हाई स्टार्च है, और सवेता है। नेक्स्ट है पीले दाने वाली किस्में। देखो पीले दाने वाली किस्मों में आती है डक्कन 101, गंगा 101, गंगा 5, हिम 123, गंगा 3, वीएल 54, रणजीत, संगम। जो संकुल कंपोजिट वैरायटी है उनमें है तरुण, नवीन, नवजोत, प्रताप, माही कंचन, माही धवल, लक्ष्मी, जवाहर, किसान, विक्रम, विजय,
अंबर, सोना, सवेता, अगेती 76 और डी 765, ठीक है। उसके अलावा हम बात करें किस्मों के लक्षण। नेक्स्ट है इसमें माही कंचन व माही धवल, बांसवाड़ा से विकसित की गई है, रबी के मौसम में लगाने के लिए बहुत बढ़िया है। तुला सीता रोग यानी डाउनी मिल्ड्यू है, झुलसा रोग है, तना छेदक कीट है, उनके लिए प्रतिरोधी देखने को मिलती है। ओपेक टू जीन वाली किस्में, ओपेक टू जीन वाली जो किस्में होती है वो हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज जिनको बोलते हैं QPM बोलते हैं, क्वालिटी प्रोटीन मेज जिनको बोलते हैं, जिनमें ओपेक टू होता है उनमें प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होता है और पर्टिकुलर लाइसिन और ट्रिप्टोफान ज्यादा होता है। यह है शक्ति, प्रोटीना और रत्ना। उसके अलावा है बस्सी सिलेक्टेड, यह राजस्थान के लिए उपयुक्त किस्म है। उसके अलावा अगेती 76 और डी 765, ये दोनों किस्म जो शुष्क क्षेत्र होते हैं, शुष्क क्षेत्र लिखना था, उनके लिए उपयुक्त किस्म है। डक्कन 103 यह भी सूखा प्रतिरोधी किस्म है और रबी में लगाने के लिए काफी पॉपुलर है। नेक्स्ट है किरण, वर्षाधारी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त किस्म है। उसके अलावा मक्का में पीला रंग जो होता है वो केरिका जेंथिन के कारण होता है, बोनापन कुछ ओपेक टू के कारण देखने को मिलता है, बाकी ओपेक टू है वो क्वालिटी प्रोटीन मेज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। उसके अलावा कुछ और भी वेराइटी है। अंडर द एस्पीएस ऑफ द ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट मेज इंप्रूवमेंट स्कीम इलोवेट हाई यील्डिंग हाइब्रिड, देखो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट सबसे पहले मेज में 1957 में स्टार्ट हुआ था और उस दौरान कुछ वेराइटियां डेवलप की गई थी, काफी अच्छी वेराइटियां डेवलप की गई थी, जिनमें है गंगा वन, गंगा 101, रंजीत, डेक्कन, गंगा 5, गंगा सफेद 2, हाई स्टार्च, गंगा 4, हिमालयन 123, गंगा 3 एंड VL54। ये सारी की सारी जो वेराइटियां थी ये हाइब्रिड वेराइटियां थी जो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट के दौरान डेवलप की गई है। 6 इसमें कंपोजिट वेराइटियां भी डेवलप की गई थी जिसमें विजय, अंबर, सोना, किसन, जवाहर और विक्रम है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट के अंडर में कौन कौन से हाइब्रिड प्रोड्यूस हुए थे और कौन कौन सी कंपोजिट वेराइटियां हैं वो प्रोड्यूस की गई थी, ठीक है। और ये पूरे कंट्री के अंदर सभी रीजन में ग्रो की जाने वाली वेराइटियां हैं और मेज की पॉपुलर वेराइटियों में से एक वेराइटी है। नेक्स्ट अपने बात करें यहां पे अकॉर्डिंग टू सीजन भी हमने क्लासिफिकेशन किया है। अकॉर्डिंग टू सीजन अगर क्लासिफिकेशन देखा जाए तो रबी सीजन वेराइटी है वो गंगा 2 है, डेकन 103 है, डेकन 105 है, ट्रिस होल्टा है, हाई स्टार्च है, हाई स्टार्च हाइब्रिड है और मैनग्री है, ये कंपोजिट वेराइटी है। जायद सीजन में कुछ वेराइटियां ग्रो की जाती है जिनमें से तरुण है, नवीन है, सवेता है, नवजोत है, कंचन है, D765 है, आजाद, उत्तम, उसके अलावा किरण और हाइब्रिड नंबर 9 भी है। नेक्स्ट है फोरेज मेज, जो चारे के रूप में काम में ली जाती है वो अफ्रीकन टॉल है और J1006 है। नेक्स्ट पॉपकॉर्न की जो वेराइटियां है वो अंबर पॉपकॉर्न है और पीरल पॉपकॉर्न है। उसके अलावा स्वीट कॉर्न की जो वेराइटियां है वो कौन कौन सी है, माधुरी है। अर्ली मैच्योरिंग वेराइटी की बात करें तो डियाना है, उसके अलावा डियाना 3 है और D765 है, ये अर्ली मैच्योर वेराइटी भी है। नेक्स्ट है जलवायु, देखो मक्का जो है वो गर्म जलवायु की फसल है, वार्म क्लाइमेट की फसल है, वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान 24 से 30 डिग्री सेल्सियस है और अंकुरण के लिए उपयुक्त तापमान है वो 21 डिग्री सेल्सियस होता है। मृदा, मक्का की फसल के लिए दोमट और बलवी दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है, पीएच मान 6 से 8 उपयुक्त होता है, कई जगह 6.5 से 7.5 भी दे दिया जाता है, ये भी राइट रेंज है, ठीक है, सही रेंज है। नेक्स्ट है बीज दर, संकर मक्का की बीज दर है वो 20 से 25 किलो प्रति हेक्टेयर रखी जाती है। देखो बाकी फसलों में तो संकर किस्मों की बीज दर कम रखी जाती है, मक्का में ज्यादा, क्योंकि मक्के में संकर जो मक्का होता है उसका दाना बड़े साइज का होता है इसलिए बीज दर ज्यादा रखनी पड़ती है, 20 से 25 किलो प्रति हेक्टेयर। वहीं पर देसी या संकुल किस्मों में 18 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर। चारे के लिए, अगर आप चारे के लिए मक्का लगा रहे हो तो जाहिर सी बात है आपको हाई डेंसिटी प्लांटिंग करने पड़ेगी, सघनता से पौधे लगाने पड़ेंगे, बीज दर तो बढ़ानी पड़ेगी, तो चारे के लिए जो बीज दर है वो 40 से 50 किलो प्रति हेक्टेयर तक रखते हैं। नेक्स्ट है डिबलर द्वारा बीज दर, डिबलर द्वारा जो बीज दर है वो 4 किलो प्रति हेक्टेयर तक रखी जाती है। आपको ही पता है डिबलर में सबसे कम बीज दर की आवश्यकता होती है।
अगर संकर मक्का का टेस्ट वेट की बात करें यानी 1000 बीजों के भार की बात करें तो 285 ग्राम होता है। वहीं पे देसी या संकुल मक्का के टेस्ट वेट की बात करें तो इसकी जो बीज दर होती है वो 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर होती है, सॉरी बीज दर नहीं टेस्ट वेट की बात चल रही थी। तो जो संकर मक्का है उसका टेस्ट वेट 285 ग्राम होता है, देसी अथवा संकुल जो मक्का होता है उसका टेस्ट वेट है वो 200 ग्राम होता है, ठीक है। हाइब्रिड का 285 ग्राम टेस्ट वेट या फिर अपने इसको परीक्षण भार भी बोल देते हैं, 1000 बीजों के भार को 1000 सीड जो है उनके वेट को अपने टेस्ट वेट या फिर परीक्षण भार बोलते हैं। तो संकर मक्का का 285 ग्राम होता है, देसी अथवा संकुल मक्का का 200 ग्राम होता है। नेक्स्ट अपने बात करें पौधरोपण दूरी, डिपेंड करता है वेराइटी पे बट एवरेज अपने बात करें तो 60 × 25 सेंटीमीटर पौधरोपण दूरी रखते हैं। लाइन से लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 25 सेंटीमीटर रखी जाती है। नेक्स्ट है बीज की गहराई, बीज की गहराई है वो 3 से 5 सेंटीमीटर रखी जाती है। एक हेक्टर में जो पौधों की संख्या रखेंगे वो 66,000 से 70,000 के आसपास रखी जाती है। बुआई का समय अगर आप खरीफ में लगा रहे हैं तो जून जुलाई में करेंगे, रबी में लगा रहे हैं तो अक्टूबर नवंबर में करेंगे। वैसे तो जनरली अपने को लेट ही बुआई करनी चाहिए रबी के टाइम, क्योंकि अगर आप जल्दी बुआई करते हैं तो कुछ इंसेक्ट की प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट अपने सिंचाई की बात करें तो देखो सिंचाई में मक्का को 3 से 5 सिंचाई की आवश्यकता होती है। 5 क्रांतिक अवस्थाएं होती है जिसमें से 2 तो बहुत महत्वपूर्ण होती है, एक तो टेस्लिंग और एक सिल्किंग। टेस्लिंग और सिल्किंग पे पानी मिलना बहुत जरूरी है, अगर पानी नहीं मिला तो उत्पादन में आपको भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। और इन दोनों में भी सबसे महत्वपूर्ण जो है वो टेस्लिंग है, इन दोनों में भी जो सबसे महत्वपूर्ण है वो टेस्लिंग होती है। टेस्लिंग पे तो सिंचाई मिलनी ही चाहिए, 3 सिंचाई तो एटलीस्ट देनी है आपको टेस्लिंग पे सिल्किंग और भुट्टे बनते समय, ठीक है, ये 3 सिंचाई आपको एटलीस्ट देनी है। और वैसे क्रांतिक अवस्थाएं कितनी होती है, 5। सबसे अच्छा उत्पादन तो 5 सिंचाई के साथ होता है बट 3 से 5 सिंचाई में मक्का की उत्पादन ठीक ठाक लिया जा सकता है। नेक्स्ट अपने खाद व उर्वरक की बात करें, FIM 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर देते हैं, नाइट्रोजन जो है वो 60 से 90 किलो प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस 30 किलो प्रति हेक्टेयर और पोटास है वो 30 किलो प्रति हेक्टेयर तक दिया जाता है। खरपतवार नियंत्रण, 2 आप निराई गुड़ाई करेंगे, एक तो बुआई के 20 से 25 दिन बाद करेंगे और दूसरी 40 से 45 दिन बाद करेंगे। जब भी आप निराई गुड़ाई करते हैं तो तने के पास आपको मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए जिससे मक्के का उत्पादन अच्छा होता है और मक्का गिरने के चांसेस भी नहीं रहते। अगर आप केमिकल कंट्रोल कर रहे हैं तो एट्राजिन या सीमाजिन का उपयोग करेंगे। सबसे ज्यादा जो आप यूज करते हैं वो सीमाजिन यूज करते हैं, एट्राजिन और सीमाजिन 500 ग्राम प्रति हेक्टर यूज में लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करें कटाई की अवस्था, अगेती किसमें 70 से 80 दिन में सोविंग के बाद तैयार हो जाती है बुआई के 70 से 80 दिन में कटाई के लिए। मध्यम किस्में हैं जो बुआई के 80 से 90 दिन में तैयार हो जाती है, पचेती किस्में हैं वो बुआई के 90 से 120 दिन में तैयार हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है उपज, अगर हम कंपोजिट वेराइटी या संकुल किस्मों के उपज की बात करें तो 30 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज होती है। वहीं पे अगर संकर किस्मों की उपज की बात करें तो 40 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज होती है। वैसे तो मक्का की जो कटाई होती है वो दानों में 20 से 25% नमी होने पर कटाई करते हैं, लेकिन अगर आप स्वीट कॉर्न के रूप में ले रहे हैं तब आप 70% नमी होती है तब जनरली इसको क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट अपने भंडारण के समय दानों में जो नमी का प्रतिशत होता है वो 10 से 12% होता है, उस समय आप क्या करेंगे इसको भंडारित करेंगे तो ये लंबे समय तक भंडारित। नेक्स्ट अब बात करें जो मक्का के मुख्य कीट है उनकी, मक्का में जो सबसे मुख्य कीट है वो है स्टेम बोरर। मेजर जो इंसेक्ट है मेज में वो है सबसे मेन है स्टेम बोरर, सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसका साइंटिफिक नेम होता है चिल्लो पार्टिलिस, अभी डिस्कस करेंगे इसका। दूसरा जो सबसे खतरनाक है सूट फ्लाई, जिसको अपने एथ्रिगोनिया और इंटीलस बोलते हैं। तीसरा जो है वो पिंक स्टेम बोरर है, सेसेमिया इनफेरेंस है। उसके अलावा कोरनवोरम, एफिड, सूट बाग, एसविवल, स्पाइडर स्पाइडरमाइट्स, टर्माइट्स और आर्मी बोरस, इनके आपको साइंटिफिक नेम देखने हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इनको याद रख सकते हैं, ठीक है। सबका साइंटिफिक नेम दिया हुआ है। इनमें से जो सबसे ज्यादा डैमेजिंग इंसेक्ट है वो स्टेम बोरर और सूट फ्लाई है। सबसे पहले हम स्टेम बोरर का ही डिस्कस कर लें। स्टेम बोरर को साइंटिफिकली चिल्लो पार्टिलस बोलते हैं, पायरेलिडी फैमिली से बिलोंग करता है और लिप्टोप्टेरा इसका ऑर्डर है। जनरली ये आपको ऑस्ट्रेलिया, ईस्ट अफ्रीका, साउथर्न एशिया और इसके साथ में आपको इसके जो क्लोज रिलेटेड स्पेसीज है वो आपको अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में भी देखने को मिल जाती है।
वेस्ट अफ्रीका में आपको स्टेम बोरर नहीं देखने को मिलता है। सीजन की बात करें तो जनरली ये ड्राई सीजन के अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। देखो ये जो इंसेक्ट है स्टेम बोरर यानी तना जो भेदक है, इसमें कंप्लीट मेटामोर्फिज्म होती है, पूर्णतः कायांतरण होता है, अंडा, अंडे के बाद लार्वा, प्यूपा और अडल्ट, चार स्टेज होती है। इसमें जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली स्टेज होती है वो लार्वा, लार्वा जो है वो नुकसान पहुंचाता है। इस इंसेक्ट के लिए अगर कोई रेसिस्टेंट वेराइटी है तो वो HQPM1 है, DHM117 है, HM4 है, HM5 है, विवेक हाइब्रिड 5 है, HMM1 है, PEHM1 है, पुसा कंपोजिट 3 है, पुसा कंपोजिट 4, एम्बर अजाद कमल है। ये कुछ वेराइटियां हैं जो इसके लिए रेसिस्टेंट होती है, अच्छे से याद रखिएगा। दूसरा जो खतरनाक हेजार्डस डेंजरस इंसेक्ट है वो सूट फ्लाई, साइंटिफिक नेम होता है एथिरगोनिया ओरिएंटेलस, म्यूसिडी फैमिली है, डिप्टेरा ऑर्डर है। मेज के अलावा इसकी होस्ट स्ट्रेन वीट भी हो सकता है, इटालियन मिलेट भी हो सकता है और ग्रासेस भी हो सकती है। सीडलिंग स्टेज पे सबसे ज्यादा नुकसान करेगा और क्लाउडी कंडीशन में सबसे ज्यादा नुकसान करता है। रबी सीजन में अगर अर्ली स्टेज पे अर्ली ग्रो करते हो तो भी ज्यादा नुकसान करता है। रबी में अगर ग्रो कर रहे हो तो आपको लेट ग्रो करना चाहिए जिससे इसका अटैक कम देखने को मिलता है। इस ये भी कंप्लीट मेटामोर्फिज्म रखने वाला है, पूर्ण कायांतरण रखने वाला है। इसमें आपको सबसे पहले एग, उसके बाद लार्वा, प्यूपा और अडल्ट देखने को मिलते हैं। इसमें भी डैमेजिंग जो स्टेज होती है वो लार्वा होती है। जो स्टेम बोरर था, तना भेदक था, वो भी डेड हर्ट दिखाता है, ये भी डेड हर्ट। इसमें क्या होता है, जनरली इनिशियल स्टेज में, सीडलिंग स्टेज में ये अटैक करता है, डेड हर्ट बन जाता है, ऊपर जो है मेज ज्यादा ग्रो कर नहीं पाता, टिलर ज्यादा निकलते हैं, बुस्सी शेप यानी एक तरह से झाड़ी नुमा बन जाता है मेज, ये इसके सिम्टम होते हैं। नेक्स्ट अपने बात करें मेजर डिजीज, मेजर डिजीज है उसमें डाउनी मिल्ड्यू डिजीज सबसे मेजर है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। पर ये जो इसका कोजल ऑर्गेनिज्म है, इसका रोग कारक जो होता है वो फंगस कवक होता है। पर्नोस्केलेरोस्पोरा फिल्पेंसिस, ये जो फंगस होता है, कई जगह अपने पर्नोस्केलेरोस्पोरा सोरगाई भी लिखा होता है, लेकिन जो मेजर है वो पर्नोस्केलेरोस्पोरा फिल्पेंसिस है, ये इसका कोजल ऑर्गेनिज्म होता है। ये सबसे ज्यादा आपको नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल और ईस्ट इंडिया के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। उसके अलावा पोस्ट फ्लावर स्टार्क रोट भी होता है। देखो डाउनी मिल्ड्यू को जो है, ये वाला जो डिजीज है इसको हम तुला सीता, हिंदी में तुला सीता रोग भी बोलते हैं, डाउनी मिल्ड्यू। नेक्स्ट जो डिजीज है वो है पोस्ट फ्लावरिंग स्टार्क रोट, ये भी फंगस के कारण ही होता है, कवक के कारण ही होता है। ये होता है मैक्रोफोमेनिया फेसिलियाना और सिफेलेस्पोरियम माइडिस, जो फंगस है उसकी वजह से होता है, ठीक है। ये राजस्थान, यूपी, बिहार और आंध्र प्रदेश में बहुत खतरनाक है। उसके अलावा ये बैंडेड लीप और सेट ब्लाइट डिजीज है, ये बायोस्पोरिस माइडिस फंगस की वजह से होता है। ये नॉर्थ वेस्ट जो हिली एरिया है, प्लेन एरिया है, वहां पर, उसके अलावा सेंट्रल एरिया, सेंट्रल इंडिया के अंदर और ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में भी आपको ये डिजीज अच्छा खासा देखने को मिलता है, ठीक है। उसके अलावा सिम्टम और जो मैनेजमेंट है वो यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आप इसको भी रीड करना चाहते हैं तो इसका फोटो ले सकते हैं। बाकी कंपिटेटिव एग्जाम में जनरली ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। मेजर डिजीज में डाउनी मिल्ड्यू तुलासीता है, दूसरा पोस्ट फ्लावर स्टार्क रोट है, तीसरा बेंडेड लीफ और सेट ब्लाइट डिजीज है। इनमें सबसे खतरनाक डाउनी मिल्ड्यू यानी तुलासीता है। इसमें जनरली क्या होता है, जो लीफ का नीचे का एरिया होता है वहां फंगस का अटैक होता है, ऊपर से आपको स्ट्रिक्स बनी हुई दिखाई देती है, पट्टियां दिखाई देती है ब्राउन से कलर की, है ना, ये डाउनी मिल्ड्यू के सिम्टम होते हैं। उसके अलावा कुछ और डिजीज है जैसे ट्यूरेशियम लीफ ब्लाइट है, मेडिस लीप ब्लाइट है और पोलियोसोरा रस्ट है, ये भी कुछ डिजीज आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट मैं बात कर रहा था क्वालिटी प्रोटीन मेज। देखो क्वालिटी प्रोटीन मेज है उसके बारे में कुछ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। सुरेंद्र बसल और इवेंगलिन विलेजियस ने सीमेट के अंदर 1990 में विकसित किया था क्वालिटी प्रोटीन मेज। इसकी जो बायोलॉजिकल वैल्यू होती है वो 80% होती है और दूसरे मेज की अगर बायोलॉजिकल वैल्यू देखोगे तो सिर्फ 45% होती है। तीसरी चीज, इसमें जीन प्रोटीन ज्यादा होता है और इस प्रोटीन में लाइसिन और ट्रिप्टोफान एमिनो एसिड है वो अच्छे खासे आपको देखने को मिल जाते हैं। जनरली जो नॉर्मल मेज है उसमें ये 2% तक देखने को मिलते हैं लाइसिन, वहीं पे जैसे
प्रोटीना जो किस्म है उसमें 4% तक आपको लाइसिन देखने को मिलेगा, शक्ति है उसके अंदर 3.45% देखने को मिलेगा। प्रोटीना और शक्ति वैरायटी है, पीछे हमने डिस्कस किया था। प्रोटीना में 4% लाइसिन, शक्ति में 3.45%, रत्ना में 4.46% तक लाइसिन देखने को मिलता है, जो अदर मेज है उनके अंदर 2% तक ही देखने को मिलता है। एवरेज अपने 3.7 से लेकर 4.2% तक आपको इसमें लाइसिन प्रोटीन देखने को मिलता है। उसके अलावा और भी बहुत सारी वैरायटियां हैं, जैसे HQPM1, HQPM5, ये सभी स्टेट में लगाई जाती है। पेनिसुलर रीजन के लिए HQPM7, QPM9, विवेक, ये वैरायटियां हैं। उसके अलावा शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, शक्तिमान 3 और शक्तिमान 4, ये भी क्वालिटी प्रोटीन मेज की वैरायटियां जो बिहार में लगाई जाती है। उसके अलावा इसका एक एडवांस वर्जन भी आया है, जो विकसित किया है विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा ने, जिसका नाम है विवेक मेज हाइब्रिड 9, और इसका भी एक एडवांस वर्जन है जिसका नाम है विवेक मेज हाइब्रिड 21। इनके अंदर ट्रिप्टोफैन और भी बहुत ज्यादा मात्रा में 21% ज्यादा होता है, जो अपने क्वालिटी प्रोटीन मेज है उसके अंदर, सॉरी 21 नहीं 72% 72% तक ज्यादा आपको ट्रिप्टोफैन देखने को मिल जाता है। वैसे और अनाज में लाइसिन और ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड की कमी होती है, जो मक्का में अच्छा होता है, और मक्का का जो क्वालिटी प्रोटीन मेज है उसमें और भी ज्यादा मात्रा देखने को मिलती है, जो मैंने अभी आपको डेटा से डिफरेंस बताया था। बेबी कॉर्न, एक चीज होती है बेबी कॉर्न से पहले मैं आपको स्वीट कॉर्न बता देता हूं। देखो स्वीट कॉर्न जो जिया मेज वैरायटी सेकेर आटा है पर्टिकुलर वो लगाया जाता है। वैसे तो मेज की जो हार्वेस्टिंग है ग्रेन में 20-25% तक मॉइस्चर होता है, दानों में 20-25% नमी होती है तब करते हैं, बट स्वीट कॉर्न के रूप में अगर आपको मेज लेना है तो आप क्या करोगे, 70% मॉइस्चर है उसी समय हार्वेस्ट कर लोगे। कच्चा मक्का होता है, हो सकता है आपने खाया तो ज्यादा मीठा होता है। जनरली अगर हम बात करें तो सोविंग के 70-75 दिन बाद, 70-75 डेज बाद अपने इसको क्या कर लेते हैं, हार्वेस्ट कर लेते हैं। और पोलिनेशन के बाद मैं बात करूं, परागण के 18-20 दिन बाद हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो मक्का होता है वो थोड़ा कच्चा होता है, खाने में ज्यादा मीठा होता है, जब उसमें 70% मॉइस्चर है उसी समय अपने उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्वीट कॉर्न बोलते हैं। इस समय इसमें 20% तक आपको जो शर्करा है, शुगर है, वो देखने को मिलती है। नॉर्मल मेज के अंदर आपको 3% मैच्योरिटी पे देखने को मिलती है। कुछ वैरायटियां हैं जो स्वीट कॉर्न के लिए काम में लेते हैं, पंजाब स्वीट मेज है, पंजाब स्वीट मेज 1 है, माधुरी है, विन ऑरेंज है और प्रिया है, ये कुछ वैरायटियां हैं जिनको आप स्वीट कॉर्न के रूप में काम में लेते हो। उसके अलावा एक होता है बेबी कॉर्न। देखो बेबी कॉर्न क्या होता है, ध्यान रखिएगा, जब मेज में स्टॉक आता है उसी समय जैसे ही फीमेल इन्फ्लोरेसेंस निकलेगा, है ना, जैसे ही फीमेल इन्फ्लोरेसेंस निकलेगा, स्टॉक निकले हुए 1-3 दिन होंगे, तब अपने क्या करेंगे, उस मक्का को हार्वेस्ट कर लेंगे, ठीक है। और इसमें एक चीज ध्यान रखते हैं, जो टेसल होता है उसको रिमूव, टेसल तो पहले निकल जाता है, टेसल को अपने रिमूव कर देते हैं, पोलिनेशन नहीं होने देते हैं, क्योंकि जो बेबी कॉर्न होता है वो अनफर्टाइल्ड कॉब होता है, फर्टाइल जो सिट्टा होता है उसमें दाने नहीं बनते तो उसको कॉब बोलते हैं, जो ईयर होता है उसमें ग्रेन नहीं बनते हैं तब हम उसको क्या बोलेंगे, कॉब। तो ये जो कॉब है वो विदाउट फर्टिलाइज होगा, हम इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं जनरली स्टॉक निकलने के 1-3 दिन बाद कर लेते हैं, इसमें ये फर्टिलाइज नहीं होता, इसमें दाने नहीं होते। इसमें फास्फोरस बहुत अच्छा होता है, फाइबर कंटेंट्स भी बहुत अच्छे होते हैं, जिससे डाइजेस्ट बहुत आसानी से होता है, डाइजेशन के लिए बहुत बढ़िया होता है। इसके लिए अपने अप्रैल से अगस्त तक मेज को लगा सकते हैं, और 60 दिन से पहले पहले इसको अपने जनरली हार्वेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है। ऐसे मेज का जब आप कल्टीवेशन करते हो तो आपको नाइट्रोजन है उसका एप्लीकेशन ज्यादा करना पड़ेगा, और बट आप पर हेक्टर नंबर ऑफ प्लांट्स है वो ज्यादा लगा सकते हैं, जो पौधे हैं उनकी संख्या ज्यादा रख सकते हैं। तो ये फास्फोरस रिच होता है और इसमें जो डाइजेस्टेबल फाइबर कंटेंट जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। ऑलमोस्ट अपने मेज क्रॉप है वो कंप्लीट हो गई है, बट इसमें एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर जो इंपॉर्टेंट है कई बार पूछ लिया जाता है। वैसे तो प्लांट न्यूट्रिएंट में अपने डिस्कस किया था, देखो जो मेज होता है उसमें जिंक की कमी से, जिंक डेफिशिएंसी से वाइट बर्ड जो है वो डिसऑर्डर देखने को मिलता है। इससे बचने के लिए अपने जनरली जिंक सल्फेट का एप्लीकेशन करते हैं तो वाइट बर्ड से राहत मिल जाती है ना, काफी हद तक है ये विकार जो है डिसऑर्डर है वो कंट्रोल हो जाता है। तो ये मेज क्रॉप अपनी कंप्लीट होती है। थैंक यू।